नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में एंटी माफिया के बाद अब ड्रग्स माफियाओं और नशीले पदार्थ के खिलाफ इंदौर पुलिस सख्त हो गई है। वहीं देर रात मल्हारगंज पुलिस ने 5 क्विंटल भांग पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मल्हारगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लोडिंग रिक्शा में 5 क्विंटल भांग पकड़ी। वहीं मल्हारगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मल्हार पल्टन में घेराबंदी कर गाड़ी का पीछा कर गाड़ी को रोका और चेकिंग की, जिसमें 5 क्विंटल भांग मिली जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मल्हारगंज पुलिस ने भांग जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। टोटल कोई कार्रवाई करी है भांग पर? हाँ, इस सुबह प्रभात गश्त के दौरान हमारे अधिकारी सोलंकी साहब को सूचना मिली थी, एक लोडिंग ऑटो से भांग जा रही है, तो उन्होंने पीछा करके उसको पकड़ा, ड्राइवर भाग गया और उस पर कार्रवाई चल रही है। 5 क्विंटल भांग में लगभग 3 लाख कीमती है। ये मल्हार पल्टन तेराहा जिनसी हाट में। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।